अच्छा फील कर रही हूँ, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, मिट्टी में बैठ के पाउल बीच में वो करके बच्चे खेल रहे हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल थलव्यू। आज का व्लॉग और आज की वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, लोग एतवार का दिन आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी। कल के इस खूबसूरत ट्रैक पर आप देख सकते हैं कैसा रोशन समा है, दौड़ रही हैं। तो एक और न्यू रॉको इस ट्रैक पर रवा दवा है, इसकी आपसे पेट का बकायदा माहौल में हमारे साथ मामू भी मौजूद हैं, मामू जान का भी रिव्यू आया हुआ है और हमारा भी साथ में मौजूद है। तो मामू जान से पूछते हैं कि आप यहाँ पर आकर थल में कैसा फील करें। जी अस्सलाम वालेकुम। तो थल में आप बताएंगे कि आज आपको यहाँ थल में आकर कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, कैसे खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त लोग हैं, मुश्ताक खान भरानी जी, इतनी खुशी थी कि हद तो ज़्यादा। ठीक है, बड़े खूबसूरत लोग आए हैं, इस्लामाबाद, रहीम यार खान, बिल्कुल रावलपिंडी, बिल्कुल इतनी खुशी थी हद से ज़्यादा और बड़ी मज़ेदार रैली है सारे इलाके की शान, बिल्कुल और इंशाल्लाह इन बड़ी खुशी सब महसूस थी पी। तो आपको यहाँ का सारा माहौल दिखाते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हवा गाड़ी की ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो उसके ऊपर नहीं चढ़ रही थी, तो भाई हवा कम करके देख रहे हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह ये ट्रैक पर आ जाएगी। आप इस स्थल में आके कैसा फील करें, आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, मिट्टी में बैठ के पाउल बीच में वो करके बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, हम सब एक मेले का समय है, देखने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, रेस देखने में बड़ा पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ के लोगों का आपको प्यार कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि इस मिट्टी में बड़ी वफा है, ये रेत है वो दूसरे पक्की वाली मिट्टी नहीं है ना, तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। ठीक है, इस खूबसूरत माहौल में काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय हो रहा है और काफ़ी ही रिफ्रेशमेंट हो रही है। पर यहाँ का माहौल कड़कती धूप के साथ साथ थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो ये तो पिछले साल के नस्बत यहाँ का मेला इस साल का मेला काफ़ी रंगीन है। पिछले साल भी बेहतरीन था, लेकिन पिछले साल की नस्बत ये सीन हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बाद जो ड्राइवर हजरात हैं उनकी गाड़ियों में की तादाद में भी इजाफा हो चुका है, 70-80 की तादाद में होती थी, लेकिन इस बार ये बताया गया है कि तकरीबन 150 के करीब गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। मेरी बैक साइड पर अभी एक जाएगी गाड़ी, आपने देखा कि काफ़ी ही जनाटे मारती हुई गाड़ी यहाँ से रुखसत हो रही। अब हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर देखते हैं वहाँ क्या शो मेला हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ का जाके आपको व्लॉग दिखाते हैं। जा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, यहाँ से जीप रैली देखने के बाद यहाँ पर रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर शाहजहान आवासी बिलपुर, तो इनकी गाड़ी ट्रैक पर रवा दवा होगी। जनाटे मारती हुई गाड़ियाँ हल यार थल में काफ़ी इंजॉय हो रहा है, मामू जान और अब्बू जी तो यहाँ पर रिवो के ऊपर बैठकर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग काफ़ी खूबसूरत हैं और रोज़ाना की तरह यहाँ पर बढ़ता हुआ रश थल में देख सकते हैं, थल की रंगीनियाँ। तो भाई आप इंजॉय कर रहे हैं रैली को? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लाला जी मज़ा आता है, इंजॉय करे सामने ट्रैक के सामने बैठ के जीप रैली को एंजॉय करें। 190 किलोमीटर का ट्रैक था और ट्रैक पूरा हो रहा है, एक गाड़ी यहाँ पर ट्रैक पे फिनिश पॉइंट पे आ चुकी है, बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं। वो कोई दूसरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, उस वक्त देखिएगा। तैयब अली को इजाज़त।